तो ये देखिए चंपाई सोरेन और बाकी के जो विधायक गए थे राजभवन के अंदर, शपथ का समय मिल गया है। ये बड़ी खबर राजभवन से, चंपाई सोरेन निकल गए हैं, सारे विधायक हैं उनके साथ, शपथ का समय मिल गया है, राज्यपाल तैयार हो गए हैं। पंडित जी, शपथ का समय मिल गया है और अभी उसी को लेकर ब्रीफिंग करेंगे आलमगीर आलम और चंपाई सोरेन। तो शपथ का समय मिल गया है, राज्यपाल मान गए हैं, सबसे बड़ी खबर इस वक्त फॉलो अप पे, शपथ का समय मिल गया है। कितना बजे का समय तय हुआ है, कब बुलाया जाएगा, ये थोड़ी देर में आप लाइव बने रहिए। अभी राज्यपाल से मिल करके चंपाई सोरेन और बाकी के जो विधायक अंदर गए थे, विनोद सिंह, आलमगीर आलम, प्रदीप यादव और सत्यानंद भोक्ता, ये सारे लोग बाहर आ गए हैं। और सबसे बड़ी जो खबर है, एक खबर यही है कि शपथ का समय मिल गया है, जिस उम्मीद में ये लोग आए थे। चूंकि दावा, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि कल रात में ही दावा ठोक दिया गया था। फोन के दीजिए ऊपर से, इधर भी आइएगा शुक्रिया सा, मेरा भी दीजिए मेरा फोन, इधर आइए इधर आइए, ठीक है। टाइमिंग खाली है तो करो ना दिया गया नहीं, अभी कोई समय नहीं दिया गया। क्या हुआ, बोले कल तक सूचित करेंगे। क्या बोला गया एक बार फिर से प्लीज। हम लोगों ने यही कहा कि भाई टोटल हो गए हैं 22 घंटे हो गए हैं, राज्य में कोई मुख्यमंत्री नहीं है, तो ये बेहतर स्थिति नहीं है। उन्होंने कहा हम डेमोक्रेटिक रूल्स के अनुसार कहेंगे, तो उनके उसी रूल्स के अनुसार किया जाना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि हमने कुछ सलाह लिया है, रात तक आ जाएगी तो कल तक सूचित करेंगे, कल बताएंगे। कल बताएंगे, आपको लगा डिले नोटिस है, कहां से सलाह ले रहे हैं अब, ये तो वो बताएंगे। डीजी का देखिए, ये बहुत बड़ी खबर, समय जो है नहीं दिया गया है। राज्यपाल ने कहा है कि डेमोक्रेटिक तरीके से वो कुछ सलाह लेना चाह रहे हैं और सलाह वो लेना चाह रहे हैं। और राजभवन के बाहर ये दृश्य आप देखिए, चारों तरफ किस तरह से काफी भारी संख्या में सुरक्षा बल को यहाँ पर लगाया गया था। चंपाई सोरेन सरकार बनाने का दावा पेश करने के लिए यहाँ पर पहुंचे थे और देखिए किस तरह से उनकी गाड़ी को घेर लिया गया है। राजभवन के बाहर का ये नजारा आप देखिए कि किस तरह से सभी गाड़ियों को जो है घेरा गया है और कोशिश की जा रही है कि यहाँ विधायकों से बातचीत हो। और देखिए यहाँ बातचीत हो रही है। एक मिनट, अरे भैया यहाँ भी एक मिनट, क्या हो गया, मेरा भी लग रहा है। अरे लगाओ ना आराम से ना, कल सुबह मोबाइल पीछे कर, ये ऐसे क्या होता तरीका है क्या, गवर्नर का जो स्टैंड है तरीके से गवर्नर कर रहे हैं उस पर क्या कहेंगे दादा, तू गाली दे रहा है, अरे काम करो, शपथ हो सकती है, बहुत ज्यादा संभावना, ये ऐसे मोबाइल बन पाता है दूसरे कैमरे राज्यपाल ने क्या कहा, राज्यपाल कल हम लोगों को प्रॉपर्ली मिला। तो बिल्कुल देखिए राजभवन के बाहर का ये नजारा आप देखिए कि किस तरह से अभी राज्यपाल से मुलाकात करने के बाद सभी यहां से लौट रहे हैं। संजय क्या हुआ, क्या निकल के आया? राजभवन में जो ये चंपाई सोरेन के साथ सारे लोग गए थे सनी, बकायदा राज्यपाल ने कहा कि देखिए हम लोग सारा कुछ सलाह ले रहे हैं। इधर से ये बोला गया, चंपाई सोरेन ने बकायदा कहा कि राज्य में जो सियासी संकट है, आप पिछले 22 घंटे से राज्य का कोई करता धरता नहीं है, ऐसे में आप समय दे दीजिए। तो आज रात का समय मांगा गया है, बकायदा राज्यपाल ने कहा है चंपाई सोरेन और इनके साथ गए हुए सारे विधायकों को कि आप आज रात तक का समय दीजिए, हम सलाह मांगे हैं, जैसे ही कोई सलाह आता है उसके अनुरूप आपको कल तक सूचित कर देंगे। इसका मतलब स्पष्ट है कि अब अगले कल
12 घंटे 24 घंटे तक जो है आपको ये सस्पेंस बना रहेगा, आपको इंतजार करना पड़ेगा। देखिए झारखंड मुक्ति मोर्चा के कई सारे नेता हैं, किस तरीके से कल राज्यपाल ने वही जो मैंने आशंका जाहिर की थी, समय निर्धारित नहीं हुआ है शपथ ग्रहण का, लेकिन उन्होंने कहा है कि कल मैं बताऊंगा आपको, अभी स्टेटस को बने रहने दीजिए। सिर्फ ये बताया, इन लोगों ने कहा 24 घंटे से अधिक वक्त हो गया है सर, अब आप शपथ ग्रहण करा दीजिए, बोले कल आपको सुबह में बता दिया जाएगा। कैसे देख रहे हैं मुश्ताक जी यहाँ पे, आप लोग पिछले 22 घंटे से जो है बगैर कोई कर्ता धरता के आप यहाँ पे आप लोग घूम रहे हैं, क्या होगा, कैसे चलेगा? यही बात हम कहना चाहेंगे कि राज्यपाल महोदय संज्ञान में ले और राज्य जो है बगैर मुखिया के चल रहा है और 24 घंटे से चल रहा है, यहाँ पर संवैधानिक संकट का बात है और संविधान के कस्टोडियन आप हैं, तो इस पर विशेष अपना तवज्जो दीजिए और राज्य को एक नया मुख्यमंत्री का शपथ जो होने का इंतजार हो रहा है उसको इंतजार को खत्म कीजिए और राज्य की 3.5 करोड़ जनता को इससे निजात दिलाइए। क्या लग रहा है कि मनसा ठीक नहीं है? देखिए मनसा ठीक नहीं है या ठीक है, ये तो समझ में आ रहा है कि जहाँ पर 2 घंटे में कहीं बिहार में इस्तीफा भी हो जाता है और शपथ ग्रहण भी हो जाता है, आप दूसरे जगह देखिए महाराष्ट्र में रात को शपथ ग्रहण भी हो जाता है, भोर में हो जाता है, लेकिन यहाँ पर संख्या बल भी है, 47 विधायकों का समर्थन पत्र लेकर के माननीय चंपाई सोरेन जो विधायक दल के नेता चुने गए वो राज्यपाल के सम्मुख प्रस्तुत कर चुके हैं, कल भी सारे विधायक यहाँ पर थे, आज भी विधायक तटस्थ हैं, एकजुट हैं और वो राज्यपाल के निर्णय का इंतजार कर रहे हैं और राज्य की 3.5 करोड़ जनता इसका इंतजार कर रहे हैं, उनकी मांग है कि जल्द से जल्द यहाँ पर स्थिर सरकार जो बनने वाली है उसके लिए मार्ग प्रशस्त करें और कल या आज ही रात को ओथ दिलाने का काम करें। तो देखिए ये झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो नेता हैं, जो कार्यकर्ता हैं, वो इन सारे घटनाक्रम पे नज़र बनाए रख रहे हैं और उनकी ये डिमांड है कि भाई अब जल्द से जल्द जो है नई सरकार का शपथ ग्रहण कराया जाए। महागठबंधन के पास बहुमत है, इनके पास ऑलरेडी जो आंकड़े हैं पर्याप्त हैं, ऐसे में इनको समय दिया जाना चाहिए, लेकिन राज्यपाल ने स्पष्ट कर दिया, चंपाई सोरेन और बाकी के लोग जो मौजूद थे राजभवन के अंदर उनको ये बताया गया कि आप आज रात का समय दीजिए, क्योंकि राज्यपाल ने कहा कि वो सलाह ले रहे हैं और जैसे ही कोई एक उचित सलाह आता है तो वो तुरंत जो है सूचित करेंगे। पांडे जी कहाँ से सलाह ले रहे हैं राज्यपाल? सेंट्रल से। ये नियत पर सवाल उठाता है, ये फैसला और ये आश्वासन देना कि स्टेटस को बनाए रखिए हम कल बता देंगे, तो इन लोगों ने जब कहा कि सर ऑलरेडी 24 घंटा का वक्त पूरा हो गया है तो कह रहे कल सुबह बता देंगे, कल सुबह में बहुत समय है संजय, 12 घंटे में क्या निर्णय हो जाएगा इस राज्य का, कौन क्या ले लेगा डिसीजन, ये कहना मुश्किल है। तो अभी सबकी निगाहें खास तौर पर यहीं पर टिकी होनी चाहिए, राजभवन में ही, कि राजभवन से क्या फैसला आएगा। जिस तरीके से अभी इन लोगों को ये कहा गया कि कल सुबह बताएंगे, सुबह इनके पक्ष में बताएंगे या कुछ नया कुछ बता देंगे, ये भी एक सवाल है। लेकिन जाहिर तौर पे बात है, एक के बाद एक इस तरीके से जो सवाल उठ रहे हैं, भले ही चेहरे पे आप मुस्कान देख रहे होंगे लेकिन सवाल के घेरे में तो है राजभवन। लेकिन जिस तरीके से ये सारे लोग राजभवन से लौटे तो एक सेटिस्फैक्शन दिखा इनके चेहरे पे, क्या ये भरोसा दिया गया है कि आप लोगों को ही बुलाया जाएगा? हाँ, वो कहा गया है, क्योंकि ये लोग कह रहे थे सरकार गठन कर लेना चाहिए सर, 24 घंटे का वक्त बीत गया, तो वो बोले कि चिंता करने की बात नहीं है, मैं आप लोग को बुलाऊंगा समय निर्धारित करके। लेकिन दरअसल इतना समय लेना ही अपने आप में सवाल है, क्या वजह है, ना कोई दिन ना कोई मुहूर्त का लोचा है, तो लिहाजा गवर्नर हाउस में जिस तरीके से कहा जा रहा है शपथ दिलाने के लिए तो शपथ ग्रहण हो जाना चाहिए। अब कल तक का समय बहुत भारी पड़ेगा, ये कहीं विधायकों ने बाहर ले जाने का डिसीजन अगर कर लिया तो वो एक और घातक डिसीजन होगा, तो इस तरीके की कई चीजें हैं जो अभी कुछ भी हो सकता। अब कल पर सबकी निगाहें टिक गई है क्योंकि कल तक का वक्त राज्यपाल ने मांगा है और कहा है कि वे
कुछ सलाह ले रहे हैं इस मसले में, और सलाह लेने के बाद वो समय देंगे, समय बताएंगे फिर कि आगे, कल वो बताएंगे कि कब उन्हें फिर से बुलाया जाएगा, कि आगे फिर राज्यपाल का क्या स्टेप होगा। तो ये राजभवन के बाहर से पूरा कवरेज आप देखेंगे किस तरह से चंपई सोरेन पहुंचे, अंदर गए, अपने विधायकों के साथ बाहर निकले और उन्होंने मीडिया कर्मियों से बात करते हुए क्या कुछ कहा। शुक्रिया। राज्यपाल ने कहा है कि कल हम बताएंगे समय।